और यहां पर कोची ने जीता है टॉस। हम ले रहे हैं बॉलिंग, करेंगे बॉलिंग और डिफेंड रन चेज करना चाहते हैं इस वक्त इस मैदान में। तिबा यहां पर इंडिया की पहली गेंद, बड़ा है थर्ड मैन से चौका पंचाल का। फिर भाई ऐसे कमेंट्स आते हैं, बैकफुट पे पंचर, रे रोक रहा था अर्जुन। फिर से आउटस्विंग कराएंगे गेंद को, सीधा हिट करवा दिया डुप्लेसिस को। चौका इस बार, चौका इस बार, वन बाउंस चौका स्ट्रेट, और खराब नहीं है इकोनॉमी। पुल शॉट का मौका, पंचाल का चौका। पंचाल की किस्मत देखिए, सामने दो नए खिलाड़ियों के सामने नहीं खेलने देना। पुल शॉट लेकिन फिर से लिया, मिड विकेट इस बार, स्क्वायर से लगाया था पहली गेंद पे चौका, दूसरी मिड विकेट से चौका। पंडित वीडियो डाल दिए मैंने, और लीजिए बातों ही बातों में नसीम ने उड़ा दिया है पंचाल का ऑफ स्टंप। मिला है विकेट, मिली है सफलता। कोची ऑन द ट्रैक, पिछले कुछ गेंदों से ट्रैक से थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, लेकिन इस बार क्रॉस खेलना भारी पड़ा है। प्रियंकरीट पंचाल को निकालेंगे, क्योंकि डुप्लेसिस ने तो भाई चौका लगाया था पहली लास्ट गेंद पर। इस बार भी गेंद पॉइंट पर से, तीन का मौका बन सकता है। ऑलरेडी रनिंग स्टार्ट कर दी है, जिया एक और लेना चाह रहे हैं, नहीं, 17 से पहुंचा है 20, तीन रन इस एजेस। और ये कैच यूवी के पास, पॉइंट पे फील्डिंग इतना आसान नहीं है युवराज जैसे फील्डर के करीब से गेंदों को निकालना, बड़ा एज था। बल्लेबाज एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये गेंद कैच होगी, हमको समझने का भी मौका नहीं दिया। ये देखिए उल्टे हाथ से क्या, नहीं सीधे हाथ से, मतलब युवराज लेफ्टी है तो उनका उल्टा हाथ हो गया। इन कराया था इस खिलाड़ी को, अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं। और जैसे मैंने इसके बारे में बात की, बैकफुट पे पंच लगाया है, चार चला गया है, यही करनी है कि थोड़ा, अरे मिड विकेट स्क्वायर की तरफ से ये छह हो सकता है। डेवॉन कॉनवे का चौका, वन बाउंस बाउंड्री के काफी स्पिनर ने परफॉर्मेंस किया था, अगर ऐसा आज कुछ दिखा दें करके मजा आ जाएगा मैच में। पिन नहीं हो रही गेंदें अश्विन की, जैसे उम्मीद कर रहा हूँ ना। और लीजिए कैच का मौका बनता हुआ, लेकिन शायद मिस किया है मुश्किल ने, दूसरा तो भूल जाओ भाई कि कहीं दूसरे की स्पिन हो गई। और ये कैच ड्रॉप विश, यहाँ पर एक और कैच ड्रॉप, यहाँ 7 बजे आईपीएल शुरू हो रहा है, हमारा वाला नहीं, एक और ये विकेट दे दी है। कॉनवे इस बार बने शिकार, पिछली 8 से 10 गेंदे हमने कॉनवे को एंगल बनाकर डाली थी, फाइनली बॉथम को मिली है सफलता। नसीम की मैच में प्लीज याद दिला देना, अभी ऑलरेडी एक विकेट ले चुके हैं। और ये स्लोअर यॉर्कर गेंद कुछ काम नहीं की, 114 का पेस रखा था। जॉनी वेस्टो ने लगाया चौका पहली गेंद पे, तरफ से लगाया था ऑफ स्टंप पे, फिर से खेलते हुए। इसे कहते हैं बैटिंग T10 में कैसे बैटिंग की जाती है, 2 गेंदों पर ही दिखा दिया उनके रनों की गति कुछ बढ़ नहीं रही, थोड़ा सा यहाँ पर पुश कर रहे हैं जरूर, ये बात अलग है। बेस्टो का एक और चौका लग गया इस बीच, तीनों दो ऑफ साइड से लगाए थे, तीसरा भी ऑफ स्टंप पे गया है। 16 रन देखे गए पहली गेंद पे, जो विकेट मिला कि बना दिया आपने, 7 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 8 गेंदों में 2 छक्के लगाए तो जाके सब सही होगा। और ये यहाँ पर लेग स्टंप मिस करते हुए अश्विन की फिरकी में फाइनली फंसी गए। श्रेयस अय्यर घूमती इस गेंद को नहीं पढ़ पाए, नहीं जच पाए, ना ही शॉट लगा पाए, और अब खुद इनको जाना होगा पवेलियन। लेग स्टंप भी अपना उड़ा चुके हैं, एक आसान विकेट यहाँ पर अश्विन के नाम। अंडर पहली गेंद, अश्विन के नाम विकेट, नजदीकी पोजीशन है। लारा खड़े थे, वेट कर रहे थे, कमाल किया इस जोड़ी ने, फील्डिंग सेटअप बड़ा रोल प्ले करता हुआ। अश्विन को मिल गया है दूसरा विकेट, अश्विन मॉरिस को किया यहाँ गोल्डन टक पर आउट। किस तरह से बचते हैं, बैकफुट पंच चले गए, बहुत अच्छे बच गए। नटी एजिस स्लिप अभी भी रखी गई है, अरे यार लारा नो पापा, थ्रो मत दो यार, मुश्किल रहीम को जाना पड़ा है पकड़ने के लिए थ्रो, अरे बाप रे बेचारे। एक और हिट ऑफ साइड के किंग यहाँ पे जॉनी बेस्टो साबित होते हुए, एक और बड़ा हिट यहाँ पर कर दिया है। 8 गेंदों में 23 खेलना चाहते हैं ताकि बीट हो, मिड विकेट पे हिट कर दिया है शॉट, एक और चौका यहाँ पर बेस्टो के नाम। कोशिश ऑफ स्टंप पे पछाड़ रहे हैं गेंद को, फिर से हिट किया है कवर से, जाएगा चौका, 30s में एंट्री, तेज गेंद करेंगे, पॉइंट पे चली गई है गेंद, एक और चौका इसी बीच, कवर पे आप रखोगे फील्डर तो पॉइंट से मारूंगा, थर्ड मैन रख देंगे। और ये लीजिए अगला शॉट, लॉन्ग ऑन से 4 ओवर बर्बाद, लेफ्टी आया है, गलती कर दी, फायदा शाकिब को हुआ है, चौका लगाया, 100 का स्ट्राइक रेट हासिल किया। हालत ये है कि शाकिब 5 गेंदें बाकी, रन रेट 9 के ऊपर। लेग साइड चली गई है गेंद, स्क्वायर पे हिट कर दिया, स्पिन कराना चाह रहे थे, सीधा गया है काफी हद तक गेंद, और जब गेंद की पिची लेग साइड हो बाहर निकलेगी,
पर पैरों और ये मिलती हुई सफलता, स्टंप्स को किया ओपन, मिडिल स्टंप उड़ा दिया युवराज सिंह ने, शाकिब रह गए शॉक में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए, जॉनी बेस्टो को लाना था स्ट्राइक पे, इनके सामने क्या परफॉर्मेंस देते हैं वो देखना है। बैट का किनारा लगा है, जी हाँ बैट का बैट पर से लग के गई है स्टंप में। शाकिब 10 में 12, करंट रन रेट 9.10, स्ट्रेट खेल लिए, अब समझ में आया इनको कैसे खेलना है। फील्डर डीप में मौजूद हैं, मिस फील्डिंग हो गई, थोड़ा सा लेजीनेस दिखता हुआ फील्डिंग में, पर जॉनी बेस्टो स्ट्राइक पे नहीं आए तो नहीं आए। गेंद आता हुआ और ये गलत शॉट, इस डॉट रहता हुआ 90 पर ही रुक गया विशाखापट्टनम, और ऐसा लग रहा है संतुष्ट है अपने आप से। कहीं 10 रन 15 रन 15 रन कम से कम और करने थे यहाँ पे, तो होगा रन चेज 91 का पीछा करने को करेगा कोची। कोलिस राहुल टाइमिंग बेहतरीन, और 4 बहुत जल्दबाजी में खेला था क्योंकि मेरे हाथ में बोतल थी, बोतल में से पानी पिया। इतने में मैग्रा दो बॉल चौका, जी हाँ पहली गेंद पे 4 था, इस बार भी टाइमिंग अच्छा है, मिस फील्डिंग होती हुई 2 के लिए, नहीं रहने दो। अरे चौका जाना चाहिए था, ये मिस कर गया मैं, क्राउड चिल्ला नहीं रहा मतलब चौका तो नहीं है, डायरेक्ट हिट आउट कर सकती है, मिस कर गए, ओवर थ्रो चला गया और गंभीर के हिस्से में 4 रन एक्स्ट्रा देके गए। सेट लग रहा है इनका, और ये पैरों पे गेंद आई थी, मैं लॉपटेड खेल रहा था, अनफॉर्चुनेटली सीधा बल्ले पे आई नहीं गेंद, और साइड चेंज, वाइड 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 शायद वाइड एम्पायर, जी हाँ। और ये कब से वेट जार भाई, मैच खत्म। मेरे को नहीं लग रहा है कि अब विशाखापट्टनम यहां से कोई कमाल कर पाएगा, अभी एक उम्मीद नहीं, ये यार सीधा हिट करना था, अपील हुई है बड़ी वाली, पर शायद इनको ही सेलिब्रेट नहीं कर रहा, कुछ गेंदे जरूर अच्छी डाल रहे हैं यहां पे, पर फील्डिंग इतनी घटिया रखी है, कौन जा रहा है गेंद लेने, कोई गेंद लेने नहीं जा रहा, 3 निकाल लिए मैंने, बहुत ज्यादा लेजीनेस दिखाया फील्डर ने। मैं एक बार रिप्ले देखना चाहूंगा फील्डर का, पुल शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस फील्डर के पास, आउट का मौका है, और लीजिए लीजिनेस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पुल शॉट लगाने के बाद बॉडी बैलेंस में आना और फिर रनिंग करना आसान नहीं होता है, यही भारी पड़ा है यहाँ पे राहुल को। पुल शॉट लगाया, थ्रो भी बहुत अच्छा मैं कहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट लगाना आसान नहीं होता, डाइव लगाई लेकिन तब तक देरी हो गई थी, उन्होंने काम आसान किया। कप्तान वर्सेस कप्तान, शाकिब नहीं, ऑफ स्टंप नहीं, सीधा खेलना था, इससे पहले भी 2 बार मौके बने थे, हम सीधा नहीं खेले थे, दोनों बार हम लोग मिस हुए थे, इस बार बल्ले से लगी, गेम उनके हाथ में है, 0 पर आउट। आदु ठाकुर की ओवर, बड़ा हिट फ्लिक किया है, 1 बाउंस चौका, लारा इन द फॉर्म, मैं बल्ले की रेंज में तो, और ये बढ़िया पुल शॉट, एक और मैच विनिंग पारी गंभीर यहाँ पर खेलते हुए, मजा आ जाएगा मैच खेलने में। ग्राउंड शॉट, बढ़िया फील्डिंग, अरे ऑफ मजबूरी में यहाँ पे डिफेंस करना पड़ा, 4 चाहिए गैप में, 4 चाहिए, नहीं जा रहे शॉट्स, ओवरथ्रो हो चुका है हमारे फेवर में, ये कीपर की तरफ पहुंच जाओ बस, बढ़िया भाई, 1 रन एक्स्ट्रा, डिपेंड करता है कैसे, अभी अच्छी गेंदे कर रहे हैं, सीधी गेंदे ज़्यादातर डाल रहे हैं, ये स्टंप छोड़ेगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन मैं अटैक नहीं कर रहा भाई, अब सारी गेंदे सीधे ही डाल दो, सारी गेंदे स्टंप में डाल, स्विप कहाँ से लगेगा, अबे यार ये अंत में क्यों डिसअपॉइंट कर रहा हूँ मैं, रन दौड़ गया बल्ले पे लगे बिना ही, सिंगल लेना चाहता था, बल्ले से कनेक्ट हुई नहीं गेंद, लारा हुए हैं शिकार इस रन आउट का, पारा बना को बहुत गलत वक्त पे आउट हुए वाले, ये गलत गेंद डाल दी है, फ्लैट हिट लगाया हमारा, थोड़ा लॉफ्टेड लेना था और बेहतर लेते, लेकिन मिस किए हैं, अब थ्रो पे डिपेंड करता है कितना लेट आता है, 2 रन ओवर थ्रो हुआ है, नहीं वाह थोड़ा गड़बड़ में गिर गया, बस यहाँ पे 4 मारो, यस ये मिल गया, पहली पिछली 6 गेंदों में पूरी कोशिश की थी मैंने गैप निकालने की, 1 बार भी नहीं मिला था, पैरों पे ही गेंद कर रहे थे, हर बार फील्डर बीच में आ जाता था, इस बार 3 निकालेंगे, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ वो आप कल का वीडियो देखना मेरा, अरे यार ये टॉट भूल गए, ये स्वैग तंत्र है, ये अपना मंत्र है, 1 रन गंभीर, नहीं ये सीधा चला गया गेंद, करना गलत, ओए डॉट गेंद कभी, ये स्ट्रेट हिट है, ये अपना मंत्र है, यू ही का छक्का, थोड़ा सा कुछ करने वाले हैं, ये पैरों पे गेंद है और 4 हैं, ये 2 गेंदों में फिनिश कर दिया मैच, और एग्जैक्टली यही मैं चाहता था, और चौके मार के खड़े हो गए, आज के दिन का इवनिंग शॉट साबित हुआ, छक्का लगा है, सबसे बड़ी बात जो छक्के ने सारा मैच बदल के रख दिया, कोची के नाम 7 विकेट की शानदार जीत, यूवी पाजी का चौका, गंभीर की बहुत सोची समझी पारी,
चीन ने जीत की हैट्रिक हासिल की इस मैच की जीत के साथ, 7 विकेट की आसान जीत।